हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का पराठा। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो जो ट्रेडिशनली हम बनाते हैं वैसे, और दूसरा बिना तेल और घी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब मैं इन्हें फटाफट से मैश कर लेती हूँ। आलूओं का ठंडा होने से पहले पहले हमें इन्हें जो है वो मैश करना है। तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, गैस का जो फ्लेम है वो भी हाई पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बिना तेल और घी के जो पराठा कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी, उसके बाद हम ट्रेडिशनल वाला जो है वो बनाएंगे। तो लीजिए, मैंने तवे पे इसे डाल दिया है। जैसे ही हमारा एक साइड अच्छे से पक जाएगा हम इसे फ्लिप कर देंगे।
मैं अच्छे से जो है इसे घी लगा दूंगी और बार बार फ्लिप करते हुए मैं इसे सेकूंगी। इसे मैं हल्के हाथों से जो है धीरे धीरे बीच में दबाती रहूंगी ताकि जो पराठा है हमारा वो अच्छे से सिक जाए। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म पराठा तैयार है। इसे आप दही के साथ, मक्खन के साथ या अचार के साथ भी खा सकते हैं। कुछ लोग चाय पराठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं पराठा जो है दही और लस्सी के साथ ले रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।